हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो लास्ट 4 डेज से एक भी क्लास नहीं हो पाए, सॉरी फॉर दैट। कुछ पर्सनल रीज़न के कारण आपकी क्लासेस नहीं ली जा पाई, बट अभी आपकी क्लासेस हैं जो कंटिन्यूस रहेंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, मैं आपको बता दूँ कि जिन भी लोगों ने अभी 4 सेप्टेम्बर को पेपर दिया है, GIPMER का पेपर हुआ है एंड UPCHO का पेपर हुआ है। अभी एक बार और CHO UP का पेपर होने वाला है, साथ ही साथ NORSET का एग्ज़ाम भी है आपका। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वन फॉर ऑल एग्ज़ाम्स इसलिए टाइटल दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। और जो भी लोग UPCHO का पेपर दे के आए हैं तो उनका कहना है कि पेपर उनका बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आते हैं वैसे। तो लेट्स सी कि जो लोग क्वेश्चन पेपर दे के आए हैं, जिन्होंने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं वो आपको आज इवनिंग में अपडेट कर दिए जाएंगे तीनों शिफ्ट के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आपको जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको जो 7 तारीख को, आई थिंक आपका 7 को पेपर है दोबारा से, जिन भी लोगों के अभी बच गए हैं तो उनका 7 तारीख को होगा पेपर। तो उनको अपनी प्रिपरेशन है तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करके जानी है क्योंकि आपको पेपर है जो हो सकता है हार्ड ही आए, मीडियम आए, क्योंकि अभी मैंने ऑफिशियल पेपर जब तक आप लोग नहीं देख लेते जब तक कुछ भी कहना नहीं होगा कि पेपर आपका कैसा आया था। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, क्वेश्चन था व्हेन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर, कब कंसिडर की जाती है। और मोस्टली आज की इस क्लास में क्वेश्चन है जो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी कंसिडर की जाती है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो होती है 37 वीक्स की, 37 जेस्टेशनल वीक की नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी मानी जाती थी। आफ्टर दैट 37 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो वो क्या है, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी। और बिफोर 37 वीक हो जाती है तो वो कहलाती है प्रीटर्म प्रेगनेंसी। या फिर अब यहाँ पर कहा है पोस्ट मैच्योरिटी, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी पोस्ट मैच्योरिटी कब कहलाती है, जब प्रेगनेंसी कितने वीक की हो जाए, 42 वीक की। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी आफ्टर 42 वीक्स हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, पोस्ट मैच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज, ये क्वेश्चन NORSET 2020 के एग्जाम में आया था कि टिशू के जो नेल्स के सराउंडिंग चारों तरफ टिशू है उनके इन्फ्लामेशन को हम क्या कहेंगे, क्लबिंग, ऑन्कोलाइसिस, कॉलेंचिया या फिर पेरोंचिया। तो क्या टर्म है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, नेल्स के सराउंडिंग जो टिशू है उनमें क्या हो जाए, उनमें यदि कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो कहलाता है प्रोकेंचिया, क्या होगा, पेरोंचिया कहा जाएगा। इस तरीके से यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो यहाँ पर रेडनेस दिख रही है ये आपको दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, पेरोंचिया। क्लबिंग फिंगर आपकी इस तरीके से होंगी, क्या होंगी, क्लबिंग फिंगर इस तरीके से होंगी। यदि आपको कहा जाए स्पून फिंगर तो स्पून फिंगर का मतलब होगा कॉलेंचिया। याद रखना है क्लबिंग में फिंगर्स आपकी ऐसी हो जाएंगी, पेरोंचिया में इन्फ्लामेशन होगा, और जो कॉलेंचिया है तो कॉलेंचिया में नेल्स का शेप कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक ए स्पून, स्पून शेप नेल्स पूछे तो क्या है, कॉलेंचिया। यदि यहाँ पर पेरोंचिया पूछे तो इन्फ्लामेशन होना, जो टिशू के सराउंडिंग नेल्स के सराउंडिंग में टिशूज हैं उनमें, एग्जाम में आता है इमेज दे के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, फिर ये दे के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेस इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। जितनी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं उनमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए। ऑप्शन में है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, N2O या फिर हीलियम। तो कौन सी गैस है जो यूज़ की जाती है, तो जो गैस यूज़ की जाती है उस गैस का नाम क्या है, तो वो है यहाँ पर CO2। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल इन्फ्लेशन के लिए, जब लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहे हो तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड पर केजी इज, एक बच्चा 1 साल का है पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से वो कितनी कैलोरी लेगा एक दिन में। ऑप्शन में है यहाँ पर 100, 200, 300 या फिर 400 का है। 1 साल के बच्चे में पर डे है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है
पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, कितना 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन, एक साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर वन ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी, सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो एक साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना, 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी बॉर्न एट CSE इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर द फर्स्ट। यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे, DPT, MMR, BCGF, इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन सभी दी जाती हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी, BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, कहाँ पर दी जाती है, फिर सब चीज़ें हम देखेंगे। तो BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है, ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म में। BCG वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम BCG वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो BCG का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई, तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो BCG वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना, 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि BCG कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि USA में है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। ILO का ही लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। थ्री डीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो तीनों सिम्टम किसके हैं, GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28th को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं, यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं, तो ये हैं यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज़ होती है उसके तीनों सिम्टम है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे, नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन से टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है, फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से। कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है, तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा, सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है, एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज़ में।
ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में, किसके लिए, नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में, लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा किसी एक को छोड़कर, तो एक इसमें नहीं रहेगा मैजे में, इसमें मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं मैजे, और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे हैं, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज़ होती है, बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है, अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा, तो वो नहीं होगा किस में, मैजे में। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। पर टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज, तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है टाइम पीरियड बताना है, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा, विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड, जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पैप स्मियर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पैप स्मियर किस टाइप का एग्जांपल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो पैप स्मियर किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है क्या है, सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज़ की प्रोग्रेस होने के पहले की, और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे, लेकिन पैप स्मियर में क्या करेंगे, हम डिसीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में, किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड, तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है, एडीनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस, या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है इसका कॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है, वो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, क्या है, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, और रेबडोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज, रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा, कौन से वायरस से होगा, तो वो RNA वायरस लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी, तो मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं, यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेफली, तो करना है आपको केयरफुली, कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में, गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको, लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टैप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, तो स्कॉच टैप स्वैब टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव के लिए। टैप का सेलोफेन टैप स्वैब टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है
पिनबॉम को के लिए, किसके लिए, पिनबॉम को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेशली बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एंड देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिनबॉम वहाँ पर नहीं है तो नहीं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा टेस्ट, स्कॉच टेप स्वैप टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं या फिर सेलोफेन स्वैप टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है, बैगोसिस बायोसिनोसिस सीओपीडी या फिर एस्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायोसिनोसिस। क्या है बायोसिनोसिस, एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेम्फ्लैक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है, और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा या फिर बायोसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे, और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायोसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है, मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं, अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट, तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन कहाँ पर दी जाती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई फोरआर्म डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, आई एम रूट से दी जाती है, तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड, तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होगी कौन सी डिसीज कहलाती है, वेक्टर बॉर्न फॉमिट बॉर्न व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी, जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है, व्हीकल बॉर्न डिसीज, जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, आपको याद रखना है व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा, और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न, तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है, व्हीकल बॉर्न, और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा, वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्किटो हो सकता, वायरस हो सकता, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी, ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया, मॉस्किटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, सभी क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज है। एयर बॉर्न में जो पार्टिकल्स स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को, कब करते हैं जून 5 को, और इस साल की ओनली वन अर्थ, क्या था ओनली वन अर्थ, जिसको कैंपेन का स्लोगन भी रखा गया था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हारमोनी विथ नेचर। स्लोगन पूछे तो क्या था, ओनली वन अर्थ, और थीम पूछे तो क्या था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हारमोनी विद द नेचर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। और आज क्या है, टीचर्स डे, क्या है आज, टीचर्स डे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टेरियोसिस बिकम, बेबी डिलीवर होने के बाद जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टेरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बिलिकल में या फिर नन ऑफ द अबव में।
तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद, न्यूनेट का जो डक्टस आर्टरियोसिस है किसमें कन्वर्ट होगा? लिगामेंट आर्टरियोसम में। किसमें? लिगामेंट आर्टरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? फोसा ओवलिस में। डक्टस वीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम वीनोसम में। और जो विदिन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बिलिकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिट्रेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड द राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। लिगामेंटम टेरस हेपेटिस जो अम्बिलिकल कॉर्ड है किसमें कन्वर्ट होगी? तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा अकर्स ड्यू टू। तो यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में, तो ये किसके कारण होगा? वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण है, फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और आओटा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा एक इसके कारण किसमें देखने को मिलेगा? पीडीए में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कनेक्शन देखने को मिलेगा। एएसडी में क्या होगा? होल होगा हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और वीएसडी में क्या होगा? लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा? वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में, तो वो कहलाएगा पीडीए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट आर एच आइसोइम्यूनाइजेशन। तो आर एच आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? एंटी हिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज किया जाता है आर एस आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए? तो आर एस आइसोइम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो आर एस आइसोइम्यूनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है वुमेंस के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ वन लाइव बेबी ऑलरेडी, ही हैज़ अबॉर्टेड 2 times, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या होगा यहाँ पर उसका? प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है, 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एट द टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? तो G4 मतलब ग्रेविड 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर लिविंग बेबी है एक उसका प्रेजेंट में, तो वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अबॉर्शन भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी? ग्रेविड 4 times, प्रेजेंट में 1 baby है और अबॉर्शन 2 times हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ पेशेंट विथ लैरिंजाइटिस इज ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली फॉर 2 weeks बट ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग हॉर्सनेसनेस परसिस्टेंस हॉर्सनेसनेस मे बी एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 week, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेसनेस फील हो रही है बार बार, वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है, तो ये क्या है? ये है ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लैरेंजियल कैंसर है, नन ऑफ दी अबव। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, ये क्लासिकल साइन होता है किसका? लैरेंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? लैरेंजियल कैंसर। 2 week तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली बदली लगती है, तो ये क्या है? ये लैरेंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है? इब्राहिम जैकब, मास्लो, एरिक्सन एफ, नन ऑफ दी अबव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इब्राहिम जैकब कौन है? पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन एब्रप्ट विड्रावल ऑफ बारबिचुरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचुरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कहें? कौन से साइन शो करेगा? विड्रावल सिम्टम होंगे स्लीपीनेस, रिथिमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचुरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा? ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा।
CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है, बारबिट्यूरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती है एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रावल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रावल सिम्टम होगा वो क्या होगा, सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टॉडलर। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टॉडलर में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टॉडलर में। तो टॉडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है, कितनी 2 to 3 ईयर की होगी वो कहलाते हैं टॉडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के, जिनमें इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टॉडलर ग्रुप में पूछे, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज, बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है, तो 5 to 40%, 50 to 60%, less than 1%, या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल, सॉरी हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा, फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए, तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, इसका लेवल होगा 5 to 40%, कितना 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है, माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है, 50% एंड 150%। अब CBRT लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है, 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 to 5%, सीवियर में less than 1%, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है, 50 to 150%, कितना 50 to 150%। लेकिन यहाँ पर less than 1% आता है तो सीवियर, कितना है, सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 to 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे, ईयर्स में, नोज में, आइस में, या फिर टेस्ट वर्ड्स में। हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी एब्सेंस स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे। तो ये कौन सा है, टेस्ट वर्ड का, कौन सा टेस्ट वर्ड का, ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा, ऑल्फैक्ट्री पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आँखों के लिए होगा, और टैक्टाइल में क्या होगा, सेंसेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिसमेनोरिया, या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा, तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है।
नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में चार कंडीशन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में चार हार्ट डिफेक्ट है जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा। ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो चार डिफेक्ट होते हैं, चार डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है, तो वो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन पीडीए देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, अनकॉन्सियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्सियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज किया जाता है अनकॉन्सियस इंटेंशन के लिए, जो आपके मन के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है, बर्थ से एक साल तक का, 4 weeks टू 1 year, 1 to 3 year या फिर none of the above। तो बर्थ से लेके 1 month तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है, न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 week तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 weeks, मतलब 1 month से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा, इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 year का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा, टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 year, तो 3 to 6 years का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्डन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 year में आएंगे स्कूलर्स और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेसियल एबनॉर्मेलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मेलिटीज, दीज एबनॉर्मेलिटीज आर प्रॉबली कास्ड बाय मैटरनल। तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेसियल एबनॉर्मेलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मेलिटीज है, ये एबनॉर्मेलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई, मदर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। फोलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, कि फेसियल एबनॉर्मेलिटीज हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। ये सभी साइन किसके, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा, जो एपी कैंथल फोल्ड सही देखने को आपको मिलेंगे, और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगेंथिया देखने को मिलेगा, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर सभी साइन किसके, लो नेजल ब्रिज होगा, तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी रेफ्रिजरेटर के, OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। OPV और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। OPV को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है, और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है, OPV, कोलेरा, TT या फिर BCG। तो BCG बैक्टीरिया के थ्रू होगा, TT भी क्लोरिस्टिडियम टिटेनिक के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या, एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, BCG लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, और टिटनस टॉक्साइड, टिटनस क्या है, टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 year। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी, 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो
बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल, तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 80 से 130 पर मिनट, कितनी, 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यू बॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट। 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130 फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड, तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम्ब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोज करने के लिए। अब दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोज करना है, तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोज करने के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। यदि यही चीज़ कहते कि माँ के लिए कोम्ब टेस्ट करवाना है, तो कौन सा कोम्ब टेस्ट कराएंगे RH एंटीबॉडी डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को, 29 सितंबर को हम हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर, केप टाउन में, कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में, 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर पी के सेन ने 1968 में, तो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज, जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, तो ये क्या है, हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर कुस्मॉल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी, किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटम बेबीज, तो बच्चा यदि प्रीटम डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटम हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं, नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रैडीकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इनड्रॉइंग, तो किस में देखने को मिलेंगे, तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इनड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें, बैरल चेस्ट इम्फाइसिमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटम बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है, नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग, जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रल क्या होंगे, वाइड होंगे, क्या होंगे, वाइड होंगे, तो इसके लिए क्या कहा गया है, नेजल फ्लेयरिंग। और RDS में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तभी ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है, क्या, नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, कैल्सीटोन एंड एफर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरॉन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे, कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, ये काम कौन करेगा, कैल्सीटोनिन, और इसको रिलीज कौन करेगा, थायरॉयड ग्लैंड।
पैराथायरमोन को रिलीज करेगी पैराथायरॉयड ग्लैंड और ये बोन टू ब्लड जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सिटोनिन है ये क्या कर रहा है, ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा, कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इन टू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे, जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सोल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सोल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सोल्यूशन जो क्या कर रहे हैं, सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या है ऑस्मोलारिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है सेम रहेगी, एल्कलाइन में क्या होंगे पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। तो कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन यूज किया जा रहा है जब पेशेंट को कहा है कि आप मास्क पहनिए, ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, फिर स्टैंडर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।